दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों, मैंने अपने Realme 5 के लिए वेबकार्ट से एक स्किन मंगाई थी और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसे कैसे अप्लाई करना है, एवेंजर एडिशन वाली, और कैसे ये अप्लाई होने के बाद दिखती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जो बॉडी है पॉलीकार्बोनेट की रहती है मोस्टली रियलमी के मोबाइल में, और यहाँ पे आप देखोगे कवर भी लगाओगे तो स्क्रैचेस यहाँ पे ऐसे इस टाइप के आ जाएंगे जो यहाँ पे नहीं मिटती है, और अगर आप मोबाइल सेल आउट करोगे तो यहाँ पे रिसेल वैल्यू स्किन नहीं मिलेगी। तो सबसे बेहतर इलाज है यहाँ पर आप स्किन प्रोटेक्टर लगा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने रियलमी 5 के लिए फ्लिपकार्ट से एक स्किन मंगाई थी एवेंजर एडिशन वाली। इसमें आपको एक क्लीनिंग पेपर मिल जाता है, तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले अपने मोबाइल की जो बैक साइड है उसे यहाँ पे आपको क्लीन कर लेना है ताकि यहाँ पे कुछ डस्ट वगैरह ना रहे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद जो हमारा रियलमी 5 है कैसा आपको दिखता है। तो ये स्किन जो है प्लास्टिक की है, और यहाँ पे आपको जो कॉर्नर्स है उसको आपको सेट करने के लिए हेयर ड्रायर, कैंडल या फिर लाइटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइटर के यूज़ से आपको बता देता हूँ, कैंडल का भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ा प्रिकॉशंस आपको रखना पड़ेगा कि आपका जो मोबाइल है ज़्यादा हीट ना करे, मतलब ज़्यादा हीट आपको नहीं देना है, केवल जो स्किन है उसे ही यहाँ पर आपको ग्लो करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं स्किन हमने फुली अप्लाई यहाँ पे कर ली है, कॉर्नर टू कॉर्नर, एज टू एज, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको बबल दिख रहे होंगे तो पिन से आप इससे इसकी जो एयर है उसे निकाल सकते हो। जो एवेंजर एडिशन वाला जो यहाँ पे लोगो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लोगो यहाँ पर बनाया गया है, और जो यहाँ पर लुक है देखो यार, मेरा रियलमी 5 जो है अभी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर पीछे की तरफ से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कोई प्रीमियम मोबाइल आपने यहाँ पर क्या पकड़ा हुआ है। और मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो आपको हर किसी को यहाँ पे जो है स्किन अप्लाई करना चाहिए मोबाइल में, क्योंकि स्क्रैचेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, चाहे आप कवर में रखो या फिर आप अच्छे सा हार्ड कवर भी लोगे तो भी यहाँ पे स्क्रैचेस आते हैं। यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो मैंने रियलमी 1 के लिए भी एक स्किन मंगाई थी, वन प्लस का मैकलारन एडिशन वाला, वो भी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए थे, लेकिन अभी देखो कितना कूल दिख रहा है। तो स्किन जो है आपको फुली अप्लाई हमेशा से करनी ही चाहिए, क्योंकि स्क्रैचेस आ सकते हैं और जब आप रिसेल करोगे मोबाइल तो वैल्यू उसकी कम हो जाती है। तो अगर से दोस्तों आपको अपने कोई भी मोबाइल कोई भी मॉडल के लिए स्किन परचेस करनी है तो आप फ्लिपकार्ट में जा सकते हो, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे एडिशन और बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के स्किन देखने को मिल जाएगी काफ़ी रिजनेबल रेट में। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बोलते रहिए, वंदे मातरम।